कैसे आप सब लोग। आई एम शबाना वेलनेस एंड ब्यूटी से। आज मैं आपको बताऊंगी कि हेयर मास्क घर पे ही हम बहुत इजीली कैसे तैयार कर सकते हैं, तो आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने लिया है एक बनाना, कैस्टर ऑयल और दही एंड शहद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बनाना, जिसे मैं पील ऑफ कर लूँगी। एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें हम इसको बनाएंगे। और उसके बाद हम लेंगे दही, उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा शहद। तो अभी इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलूं। तो अब हमारा ये हेयर मास्क बनके रेडी है, और मैंने इसमें एक बनाना लिया है मेरे हेल्थ के अकॉर्डिंग। आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग दो भी ले सकते हैं अगर आपके बाल बड़े हैं तो। बनाना में पोटेशियम होता है, भरपूर विटामिन होता है, ये हमारे हेयर को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, ये हमारे हेयर को ग्रोथ बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। इसमें मैंने हनी मिलाया है, हनी हमारे हेयर को मॉइस्चराइजर करता है, मॉइस्चराइज़ करता है और कंडीशनर करता है, और ये हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा शाइन करता है। इसमें मैंने शहद मिलाया है, शहद हमारे हेयर फॉल को कम करता है, और ये एक बहुत कंडीशनर, अच्छा कंडीशनर की तरह काम करता है हमारे हेयर पे। मैंने कैस्टर ऑयल मिलाया है, कैस्टर ऑयल हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हमारे हेयर को ग्रोथ करने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो इसे आप हफ्ते में एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके हेयर बहुत ही स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे, और आप अपने हेयर पे से लगा कर 50 टू 60 मिनट रखिए। उसके बाद आप अपने हेयर वॉश कर लीजिए शैम्पू से, और उसके बाद आपको कंडीशनर नहीं लगाना है, ये क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कंडीशनर की तरह ही काम करता है, ये एक कंडीशनर ही है। तो आप शैम्पू करने के बाद अपने हेयर पे कंडीशनर अप्लाई ना करें, आप देख पाएंगे कि अपने आपके हेयर कितने स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी हो गए, बहुत ही ब्यूटीफुल हो गए हैं। तो आज का आपको ये हेयर मास्क वाला वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। बाय।